तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना शुभम सर, सीमा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 5 मई को होने वाले बेटा एग्ज़ाम में बायोलॉजी के किस पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चन उठे थे, आज उसी की एनालिसिस करने हम लोग आए हुए हैं और देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन अच्छे से उठे थे और स्ट्रेटजीज आने वाले समय में क्या अपनाना चाहिए हमें बायोलॉजी में खासकर। तो हम ये देख रहे हैं कि बेटा कि नीट 2024 में हमारे बायोलॉजी पेपर एनालिसिस में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन में से हमारे पास ये देखा गया कि क्लास 11th से, जैसे कि हम पहले ही बताते थे आपको कि 11th क्लास हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे 53 क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे आउट ऑफ 100 में से। ये नहीं बताया जा रहा 90 में से सर, ये बताया जा रहा है 100 में से 53 कहाँ से क्वेश्चन उठे हैं, क्लास 11th से, और क्लास 12th से 47 क्वेश्चन उठे हुए हैं। यानी इस साल के पेपर को देख करके पहले हम लोग क्या अंदाज़ा लगाते थे कि क्लास 11th हमारे लिए ज़रूरी है, कि हमारे जहाँ पे भी पढ़ाया जाता था कि 60% 70% क्लास 11th की चीज़ें आती हैं। बट आपको अब ध्यान में रखना है कि नहीं, क्लास 12th भी बराबर का टक्कर दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ ही रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन या 5 to 6 क्वेश्चन का ही डिफरेंस आ रहा है। तो हमें यह देखने का है कि क्लास 12th में तो हमारे चैप्टर भी तो कम है, कम चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर के जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि क्लास 12th भी हमारे लिए अब उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले क्लास 11th हुआ करता था। यानी क्या है कि ट्रेंड अब धीरे धीरे एनटीए ने चेंज कर दिया। जो हमारी सोच थी कि क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, क्लास 12th भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्लास 11th है। और हमने ये देखा कि 100 क्वेश्चन में से 53 क्वेश्चन क्लास 11th है और क्लास 12th में 47 क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट आते हैं, बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं। हमने ये देखा कि फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट यूनिट का मतलब क्या है, लिविंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जिनमें हमारे 4 चैप्टर हुआ करते थे। पहला चैप्टर का नाम था लिविंग वर्ल्ड, दूसरा हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थे, तीसरे हमारे पास प्लांट किंगडम और चौथे क्वेश्चन थे एनिमल किंगडम। यानी ये 4 चैप्टर मिला करके लिविंग वर्ल्ड से हम अगर ये देखेंगे तो लिविंग वर्ल्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस साल, यानी लिविंग वर्ल्ड से 0 क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन। और अगर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद तो हमारे पास प्लांट किंगडम आते हैं, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं, और एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम से हमारे पास 3 क्वेश्चन आए हैं। यानी टोटल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो 2022 में हमारे पास क्वेश्चन कितने थे, 7। 2023 में भी हमारे पास क्वेश्चन कितने थे, 7। यानी 2024 में भी हमारे पास क्वेश्चन कितने थे, 7। यानी हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट एक चैप्टर रहता था हमारा लिविंग वर्ल्ड, वो हमारे पास उसमें क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। अब बात आती है कि हाँ नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आगे बढ़ करके देखते हैं तो हैं तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, इनमें भी हमारे पास कुछ चैप्टर हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास ये नीट की बात कर रहे हैं। अब ये बात करेंगे नीट 2024 में अगर हम देखेंगे क्वेश्चन तो 12 क्वेश्चन आए हैं। अगर पास्ट ईयर की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में, 2023 में हमारे पास 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी 2 क्वेश्चन बढ़े हैं, इंक्रीमेंट हुआ है 2 क्वेश्चन का, और जबकि हमारे पास कॉकरोच वगैरह भी ऐड हुए थे आपको याद होगा। तो यानी क्या है कि 2 क्वेश्चन वहां से ऐड हुए हैं। तो इनमें 3 चैप्टर आते थे हमारे पास, पहला आता था हम मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, और दूसरा हमारे पास आता था एनाटॉमी, और तीसरा था हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं और बाकी के हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 क्वेश्चन यहाँ से अराइज हुए हैं। जबकि बेटा आप देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी में अच्छे क्वेश्चन अराइज हुए हैं, 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ तक अराइज होने के चांसेस थे। यानी हम ये देख रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को अब इग्नोर नहीं कर सकते, सब चैप्टर अपने अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, क्वेश्चंस के नंबर अराइज हो रहे हैं आप देख रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम बात करेंगे कि सेल की, तो सेल में हमारे पास तीन चैप्टर आते हैं, यानी सेल यूनिट में हमारे पास तीन चैप्टर आते हैं। और ये नीट 2024 की एनालिसिस अगर हम करेंगे, तो नीट 2024 की एनालिसिस के दौरान हमने ये देखा कि 2022 में 2022 में 10 क्वेश्चंस आए हुए थे, और 2023 में हमारे पास 12 क्वेश्चन, यानी कितने ऐड हुए, प्लस टू का ऐड हुआ। फिर अगर हमने ये देखा कि प्लस टू का ऐड यहाँ पे भी हो गया है, सरप्राइज की बात, यानी लगातार ये ट्रेंड हमारे बदल रहे हैं, यानी हमेशा लगातार क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हमारे लिए। सेल में अगर हम बात करेंगे तो तीन टॉपिक थे, एक तो हमारे पास सेल की बात की जाएगी तो यूनिट ऑफ लाइफ ही थी, पहला था हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा हमारे पास था बायोमोलिक्यूल, सेकेंड चैप्टर का नाम हमारे पास बायोमोलिक्यूल, और तीसरा हमारे पास चैप्टर के नाम थे यूनिट ऑफ लाइफ के बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड सेल डिवीजन। यानी इन चैप्टर में हमारे पास देखेंगे तो 14 क्वेश्चंस, यानी हमें ये माना जाता है ये बहुत बेसिक चीजें थी। जब क्लास 11th में आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला यूनिट हम लोग सेल ही पढ़ाते थे, जबकि लिविंग वर्ड को नहीं पढ़ाते थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को नहीं, हम स्टार्ट ही यहीं से करते थे, बेसिक चीजें से। और बेसिक चीज अगर आपको 14 क्वेश्चंस दे रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बेसिक चीजें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। पहला यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल सेल डिवीजन, और खासकर बायोमोलिक्यूल को हमें अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, बढ़ते हैं हम, अगर हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर लें, प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे पास 13 क्वेश्चन, हमारे पास 2022 में 13 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 13 क्वेश्चन आए थे, 23 में भी फिर वही 13 क्वेश्चन आए, बट सरप्राइज की बात यह हुई कि 8 क्वेश्चन हो गए हमारे पास नीट 2024 में। इससे क्या पता चलता है कि प्लांट फिजियोलॉजी को उतना महत्व हमें नहीं दिया जा रहा है नीट में, यानी हम ये संभावना ये लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जिस हिसाब से इनकी ट्रेंडिंग चल रही है, प्लांट फिजियोलॉजी हमारे MBBS का पार्ट ही ना रहे, तो हम क्यों पढ़े, तो NTA उसको हटा भी सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ही चैप्टर तो बेसिकली हमें पढ़ने को मिले थे, एक हमारे पास क्या था, फोटोसिंथेसिस थी प्लांट फिजियोलॉजी में, जो चीज़ें हमें पढ़नी थी अच्छे से वो मैं बता रहा हूँ, एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस पढ़ने को थी, एक हमारे पास रिस्पायरेशन पढ़ने को था, और एक हमारे पास था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर इसकी बात करेंगे कि तो दो चैप्टर तो हमारे पास ऐसे ही हट गए, एक ट्रांसपोर्ट वाला हट गया था और एक मिनरल न्यूट्रिशन वाला, तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब लगातार ये क्या हो रहे, गिर रहे हैं, और मैक्सिमम अगर 8 क्वेश्चंस की बात करेंगे तो लगभग 3 क्वेश्चंस तो हमारे ये फोटोसिंथेसिस दिए थे, 3 to 4 हमारे पास ये दिए थे, max to 2 to 3 क्वेश्चंस यहां से आए थे। अब देख लीजिए अब किस तरीके से ट्रेंडिंग चल रही है, यानी ये ग्राफ लगातार घट रहा है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी को लेकर के, और प्लांट फिजियोलॉजी आने वाले समय में गायब भी हो सकता है, हम बता रहे हैं अभी। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास अगर हम नीट की बात करें तो नीट 2024 में आप देख रहे हैं तो क्वेश्चंस कितने आए हैं, 12, यानी एक माइनस हो गया है। अगर हम 22 की बात करें तो 12 क्वेश्चन आता था, 23 की बात करेंगे तो 13 क्वेश्चन आए थे, और 24 की 12 फिर आ गए, यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारे पास चैप्टर डिलीट होने की वजह से एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से हट गए। यानी हमारे पास टोटल कितने हैं प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो एक हमारे पास ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा हमारे पास आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर इलिमिनेशन, ये टॉपिक हमारे पास, और इधर दो टॉपिक रह गए हैं, एक हमारे पास नर्वस सिस्टम के पार्ट,
जिसे हम कहते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और एक हमारे पास है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, इट्स इंटीग्रेशन। यानी ये टॉपिक हमारे पास है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैक्स टू मैक्स दो क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हुए थे। बॉडी फ्लूइड क्वेश्चंस हमारे पास दो क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हुए थे, सभी में दो क्वेश्चंस अराइज हुए हैं यहाँ पे, दो क्वेश्चंस यहाँ पे। यहाँ वाला पार्ट आप लोग देखेंगे तो टू टू थ्री क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हुए थे, टू टू थ्री क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हुए थे। यानी ये वाला इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे तो कभी कभी थ्री टू फोर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हर चैप्टर से रिलेट करता है, केमिकल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल। तो तीन तीन क्वेश्चंस यहाँ से, सिक्स क्वेश्चन यहाँ, बाकी सिक्स क्वेश्चन यहाँ से, यानी 12 क्वेश्चंस आप एराइज कर सकते हैं। तो यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजिली जूलॉजी टॉपिक रहता है और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आता है हमें। आगे बढ़ते हैं अब हम, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ चीज़ें हमें और देखने को मिल रही है। अगर जेनेटिक्स की बात करें, उससे पहले रिप्रोडक्शन के पार्ट थे, यानी रिप्रोडक्शन के यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो 2022 में, 2022 में 9 क्वेश्चंस अराइज हुए थे, 23 की बात करेंगे तो 9, और 24 में 8। यानी रिप्रोडक्शन का महत्व थोड़ा बहुत इन्होंने कम रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे, इस नीट 2024 की बात करें तो नीट 2024 में टोटल तीन ही टॉपिक तो आए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा ही दिया गया था, डिलीट था सिलेबस से। तो हमारे पास बचा क्या, एक हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पहला चैप्टर ये था। दूसरा आता हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दूसरा क्वेश्चन आते हैं हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, और तीसरा आता है चैप्टर हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। आप बेफिक्र रहिए, चैप्टर वाइज और हम टॉपिक वाइज भी एनालिसिस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम बता देंगे। ये तीन चैप्टर ऐसे थे हमारे पास जहाँ से ये रिप्रोडक्शन के यूनिट आते हैं। तो आप देख रहे हैं 9 क्वेश्चन यहाँ से, फिर 2023 में 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, यानी -1 हो गया है। यानी ये रिप्रोडक्शन के यूनिट में हमारे पास अब इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर हम बात करेंगे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की बात, तो आप देखेंगे कितना आपको महत्वपूर्ण दिख रहा है। 22 में हमारे पास 15 क्वेश्चन, 23 में 15 क्वेश्चंस, 24 में 16 क्वेश्चंस। यानी अगर हम बात करेंगे कि नीट की 2024 की अगर हम बात करें, तो नीट 2024 में हमारे पास जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में तीन ही चैप्टर आते हैं। एक हमारे पास चैप्टर आता है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये एक टॉपिक आता है। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और लास्ट आता है हमारे पास इवोल्यूशन। और सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायो मॉलिक्यूल, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये ऐसे चैप्टर हैं, और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये ऐसे चैप्टर हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये यूनिट ही अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। यानी क्या है कि आप देख रहे हैं कि लगातार ये ग्राफ हमेशा बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ेगा भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में हमारे पास तीन ही टॉपिक आते हैं, और तीन में से एक डिलीट भी कर दिया गया, एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और एक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। स्ट्रेटजीज फॉर फूड इन्हेंसमेंट हमारे सिलेबस से बाहर हो गया, यानी मिला जुला करके इस बार नीट में अगर हम देखेंगे तो नीट की बात अगर हम करें तो दो ही चैप्टर तो हमें पढ़ने को मिले। एक हमारे पास क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और दूसरा टॉपिक है हमारे पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन
वेलफेयर, यानी ये टॉपिक दो ही टॉपिक है, और दो टॉपिक में सरप्राइज की बात मैं बताऊं तो 4 क्वेश्चंस तो यही दे गया है, 2 क्वेश्चंस ये दिए सिर्फ। अब महत्वपूर्ण समझ सकते हैं कि कौन सा हमारा टॉपिक अच्छा है, यानी ह्यूमन, जब से कोरोना काल आगे गया पीछे हटा तब से लेकर के इस ट्रेंडिंग को चेंज कर दिया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो गए, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जितना था उतना ही आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, अगर बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो नीट की ट्रेंडिंग की बात करेंगे, तो नीट का ट्रेंडिंग क्या कह रहा है चलिए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। 2022 में 22 में हमारे पास 8 क्वेश्चंस आए थे, 23 में हमारे पास 5 क्वेश्चंस आए थे, 24 में हमारे पास 8 क्वेश्चंस, यानी ये ग्राफ बढ़ा, यानी पिछले साल थोड़ा बहुत कम आया था, यानी हमारे पास दो ही टॉपिक तो पढ़ने हैं, इनके पास एक प्रिंसिपल पढ़ना है, एक बायोटेक्नोलॉजी के एक प्रिंसिपल पढ़ने हैं, और दूसरा हमारे पास एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, यानी दो चैप्टर हैं हमारे पास और दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के ही अंतर्गत आते हैं। तो यानी क्या है कि 8 क्वेश्चंस आते थे और आते रहेंगे, और इससे कम होने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार हमारा देश क्या कर रहा है, ग्रोथ जिस हिसाब से कर रहा है, तो ये मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो सरकार कभी भी नहीं चाहती है, या NTA कभी नहीं चाहेगी कि इस चीज़ों से अवेयर न रहे हमारे स्टूडेंट, तो अवेयरनेस के लिए बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास हमेशा बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के बाद इकोलॉजी के सिस्टम। इकोलॉजी में हमारे पास देख रहे हैं, तो पहले जब हम लोग तैयारी करते थे तो 16 क्वेश्चंस आते थे इकोलॉजी से मेरे तैयारी के दौरान, अब जब आपसे ट्रेंडिंग चेंज हुआ है तो ये तो बहुत बाद की बात है, 22 तो बहुत हमारे बाद आया है, तो 22 में हमारे पास 12 क्वेश्चंस आते थे, फिर उसके बाद आता था हमारे पास 12 क्वेश्चंस 23 में आते थे, और 24 में 9 क्वेश्चंस आए हैं, यानी ग्राफ क्या हुआ हमारे पास, धीरे धीरे घट गया ना, यहाँ पे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट गया, क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे पास पॉल्यूशन वाले चैप्टर थे, और कह सकते हैं न्यूट्रिशन साइकिल वाले चैप्टर थे, इकोलॉजिकल सक्सेशन वाले चैप्टर थे, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हटा दिए ऐसे ही एज इट इज, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत घट जाएंगे। जब हम लोग तैयारी करते थे तो सर लोग हमें यही पढ़ाते थे कि बेटा इकोलॉजी से आप बहुत ही सरल चैप्टर है, और उसी से आप 16 क्वेश्चंस कर ले जाते, 16 to 20 क्वेश्चंस इकोलॉजी अकेला दे देता था, बट ऐसा ट्रेंड नहीं रहा, आप देख रहे हैं कि लगातार ये ट्रेंडिंग चेंज हो रही है, यानी अब एक चीज और, एक सरप्राइज की बात अब आगे आएगी, देखते हैं हम कौन से क्वेश्चंस कैसे आए गए हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चंस अब मैच कॉलम वाले, यानी मैच दी फॉलोइंग में ABCD ऐसे दिया जाएगा, और यहाँ पर ABCD ऐसा दिया जाएगा, और यहाँ पर XYZ या फिर कुछ भी देख सकते हैं आपको, या फिर इसको ऐसे कर लिया जाता है 1 2 3 फिर उसके बाद 4, इसको मैच कराना होता है इनसे या इनसे, कोई भी क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं मैच फॉलोइंग में हमने 22 में कितने क्वेश्चन आए थे, 6, 23 में कितने, 18, लगातार ग्राफ बढ़े, और सरप्राइज की बात है कि 18 से डायरेक्ट 31 हो गए, यानी पेपर का इजी होने का मेन रीज़न बायोलॉजी में यही है, यानी बहुत सारे बच्चे कहते हैं बायोलॉजी इस बार इजी क्यों आई है, मैच दी फॉलोइंग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो जितने भी आपको ABCD दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रिलेटेड, अगर आपने दो क्वेश्चंस, दो टॉपिक अगर चूज कर लिए किसका कौन सा मैच होगा, तो दो तो अपने आप पता चल जाते थे एलिमिनेटर मेथड से, दो अगर आपको याद हैं तो दो तो अपने आप पता कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है ये क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इसलिए क्या करता है, इजी कर देता है। देख रहे हैं आप, दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर देखेंगे तो ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप का क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और स्टेटमेंट 1 होता है, स्टेटमेंट 2 होता है, स्टेटमेंट 3 होता है, स्टेटमेंट 4 होता है, 4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अब ये तो ऑप्शन आपको नहीं लग रहेगा, ये तो एक ऑप्शन हो गया, अब इनमें से पूछा जाता है कि कौन कौन सही है, ये सही है या 2 सही है या 1 2 3 सही है या 3 4 5 सही है, ऐसे क्वेश्चंस फिर यहाँ से ऑप्शन बनाए जाते हैं, 1 2 3 आर करेक्ट, 3 4 5 आर करेक्ट, 5 4 2 3 1 आर करेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस आपको, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं,
ये होता तो आप कर ले जाते, बट ऑप्शन इन ऑप्शन ऑप्शन में भी ऑप्शन पूछा जाता है तो ये पेपर के लेवल को थोड़ा बढ़ाती है। तो यानी बहुत ही अच्छा ये मेथड आपने एनटीए ने अपनाया है, यानी 10 क्वेश्चंस पहले 2022 में पूछा गया, 23 में हमारे पास 13 क्वेश्चन पूछे गए और 24 में आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चन, यानी लगातार ग्राफ आपकी बढ़ी ना, यानी ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या है, यानी चार स्टेटमेंट दे करके पूछा जाता है कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा assertion reason टाइप का नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये देखा कि इसका लेवल थोड़ा डाउन हुआ, 22 में पूछा गया था 11 क्वेश्चन, 23 में आपसे पूछा गया था 11 क्वेश्चन, 24 में क्या हुआ 10 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन कम पूछा गया इनके मामले में अगर हम देखेंगे एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो। यानी क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा डाउन कर दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आपको मैं बार बार हर साल बताता था कि बेटा एनसीईआरटी के सारे डायग्राम आपके टिप पे होने चाहिए। तो हमने देखा कि 22 में एक क्वेश्चन आया था डायग्राम पे बेस्ड पे, 23 में हमारे पास वन क्वेश्चन आया था, 24 में 6 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चंस की बढ़ोतरी हुई ना, यानी डायग्राम को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल देना चाहता है एनटीए। आपके सारे जहन में होनी चाहिए, आपके दिमाग में सारे एनसीईआरटी के डायग्राम बने होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डायग्राम बेस्ड हो गया, और मैं बोलता था भी कि सारे डायग्राम आप एक बार सरसरी निगाह से देखते रहिएगा। एसर्शन रीजन की बात करें, एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 22 में हमारे पास 4 क्वेश्चन आए थे सिर्फ, 23 में हमारे पास 8 क्वेश्चन आए, और 24 में अगर हम बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आए, यानी एसर्शन रीजन के लेवल डाउन हुए। 22 में 4, 23 में अचानक 4 क्वेश्चन बढ़ गए, और 24 में 6 क्वेश्चन माइनस हो गए, यानी एसर्स कोई भी ट्रेंडिंग यहाँ काम नहीं कर रहा है, यानी नीट किसी भी ट्रेंड्स को फॉलो ही नहीं कर रहा है। यानी अगर एक चीज़ अगर मैं आपसे बताऊं कि बेटा आप किसी भी ट्रेंड को फॉलो ना करिए, आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं और सभी तरीके से अच्छे तरीके से कौन सा टॉपिक से किस जगह पे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, ये ना मैं बता सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना दुनिया का कोई टीचर, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना होगा और आप ही प्रेडिक्ट न करिए। आपको सारे टॉपिक को उतना ही महत्वपूर्ण रोल देना है, क्यों, क्योंकि आने वाली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि आप देखेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चंस जो हमारे पास नए ऐड हुए थे, ऐड क्या हुए थे, नई फैमिली ऐड हुई थी, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नए चीजें टॉपिक ऐड हुए थे, डेंगू एंड चिकनगुनिया ये ऐड हुए थे, ये भी एक भी क्वेश्चंस नहीं बने, और प्रैक्टिकल बेस्ड पहले क्वेश्चंस आते थे वो भी क्वेश्चंस नहीं बने, यानी यहाँ से भी क्वेश्चंस नहीं बने। यानी जो चीज़ें ऐड हो रही हैं इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाए, बट आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते कि नई चीज़ें ऐड हुई हैं और हम उसे छोड़ दें, क्योंकि वहाँ से पूछ सकना है, एनटीए का मूड है चाहे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर ही तो है, आप थोड़ी ना बता सकते हैं कि मुझसे क्या पूछो। आप अपने मन से सोचिए कि आप अगर आप कह दीजिए कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछिए, ऐसा थोड़ी ना होता है, जो हमारे मन में आएगा हम वही पूछेंगे, है कि नहीं। स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि आपसे चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट आता है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें अब खत्म होती हैं बेटा, तब तक के लिए अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।